शेर एक ऐसा जानवर जिसका नाम हमारे मन में वीरता और साम्राज्य का भाव पैदा करता है, और इसलिए जब भी हम किसी की बहादुरी की तारीफ करते हैं तो हम उसकी तुलना हमेशा शेर की बहादुरी से करते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम अपने इतिहास पर नजर डालें तो हमने हर समय शेर को वीरता का प्रतीक माना है। जंगल में कितने ही जानवर क्रूर क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है। लेकिन आप इस तथ्य से अवगत नहीं होंगे कि एक शेर के लिए हमेशा जंगल के राजा की उपाधि धारण करना आसान नहीं होता। एक शेर को जन्म के बाद हमेशा जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना करना पड़ता है, साथ ही अपनी शक्तियों को अक्षुण रखने के लिए उन्हें अक्सर कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए आपको आज का एपिसोड अंत तक देखना होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको एक शेर के जीवन के संघर्षों की विस्तृत तस्वीर दिखाएंगे, और इसे देखने के बाद आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। इस फुटेज में आप देख सकते हैं एक शेर का बच्चा बड़ी खूबसूरती से पेड़ से उतरकर अपनी माँ के पास आ गया है, लेकिन अगली घटना देखने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। अगर आप इस वीडियो में अपना सारा ध्यान देंगे तो आपको एक जंगली भैंस दिखाई देगा जो लगातार शेर के बच्चे के ऊपर निगरानी रख रहा है, और अपने दिल में वो शेर के बच्चे पर हमला करने के लिए सोच रहा होगा। दरअसल वास्तव में जंगली भैंस और सिंह के बीच कोई अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि हम अक्सर इनके बीच दुश्मनी देख सकते हैं। एक जंगली भैंस शेर पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो शेर के बच्चे पर हमला करता है। लेकिन शेर को जंगली भैंसों का इरादा पता चल गया है, और यही कारण है कि सिंह अकेले ही जंगली भैंसों के झुंड में हमला करने चला जाता है, लेकिन शेर झुंड में हमला करने में नाकाम हो रहा है। इस दौरान शेर का बच्चा इधर उधर आश्रय तलाशने लगता है, वो झाड़ियों के बीच छिप जाता है, लेकिन जंगली भैंसे के बड़ी संख्या में होने के कारण वे अपने आप को बहुत लंबे समय तक छुपा नहीं सकते। यहाँ तक इस वीडियो में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जंगली भैंसे शेर के बच्चे का पीछा कर रहे हैं। वे बड़ी संख्या में शेर के बच्चों का पीछा करने में विफल हो सकते हैं, लेकिन वे कम से कम शेर के बच्चे को सफलतापूर्वक फंसा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से एक जंगली भैंसा शेर के पीछे भागा और अपने पांव के नीचे कुचलकर शेर के बच्चे को मार दिया। जब जंगली भैंसों का झुंड उस जगह से निकल जाता है तो माँ शेर अपने बच्चे के पास दौड़ती हुई आती है, और अपने मृत बच्चे को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। जरा सोचिए, अपने मृत बच्चे को अपनी आंखों के सामने देखना उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना दर्दनाक होता है। कुछ देर बाद मरे हुए शेर के बच्चे, भाई बहन भी उसे देखने के करीब आ जाते हैं, और सिर्फ वो ही नहीं, जिराफ भी दूर खड़े रहते हैं और शेर के बच्चे मौत पर विलाप करते हैं। पिछले वीडियो में आप देख ही चुके हैं कैसे एक जंगली भैंसे ने बेरहमी से शेर के बच्चे को मार डाला, लेकिन अगला वीडियो फुटेज जो आप देखने जा रहे हैं वो आपको और ज्यादा चौंका देगा। हम सभी जानते हैं कि शेर समाज के लिए बाध्य होते हैं, ये संयुक्त में रहना पसंद करते हैं, और इस समूह का एक राजा भी होता है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे, राजा के पद के लिए अक्सर दो शेरों के बीच संघर्ष होता है। इस संघर्ष में यदि राजा प्रतिद्वंदी शेर से हार जाता है, फिर प्रतिद्वंदी शेर राजा का पद अधिग्रहण कर लेता है, और इतना ही नहीं, प्रतिद्वंदी शेर राजा बनने के बाद पूर्व राजा की बेरहमी से हत्या कर देता है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, नया राजा धीरे धीरे पूर्व राजा के सभी बच्चों को मार डालता है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे नया राजा पूर्व राजा के बच्चों को बेरहमी से मार रहा है, लेकिन शेर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास राजा पर हमला करने की ताकत नहीं है, और इसी वजह से शेर चुपचाप असहाय होकर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखता है। सचमुच जंगल का जीवन हमें विस्मित कर देता है, और जब भी हमें इसके बारे में और पता चलता है हम ये पूरी तरह से चकित हो जाते हैं। अरे, एक और तथ्य आपको हैरत में डाल देगा, वो है जंगल के केवल जंगली जानवर ही शेर के बच्चे के दुश्मन नहीं होते, बल्कि पानी में रहने वाले जीव भी शेर के बच्चे के दुश्मन माने जाते हैं। दरअसल हर जानवर इस बात से वाकिफ है कि शेर से लड़ाई करना खतरनाक और जान जोखिम में डालने लायक होता है, जिसका परिणाम केवल उनकी मृत्यु ही है। यही कारण है कि वे शेर पर हमला करने के बजाय उनके बच्चों पर हमला करते हैं, इसलिए हर साल काफी संख्या में शेरों के बच्चे मारे जाते हैं। अब हम आपको इस तथ्य का प्रमाण दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उससे पता चलता है कि कैसे एक शेर उत्तेजित होकर किसी को या कुछ ढूंढ रहा है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है
शेर असल में क्या ढूंढ रहा है, तब आपको ये बताना आवश्यक है कि शेर अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसे एक मगरमच्छ आक्रमण करके लाया है। शेर फिर मगरमच्छ को ढूंढने के लिए पानी में कूद पड़ता है और वो अपने बच्चे की तलाश जारी रखता है, लेकिन इतनी देर तक खोजने के बाद उसे ना तो अपना बच्चा मिल पाया ना ही मगरमच्छ। तब शायद आप सभी को ये बात बिल्कुल साफ हो गई होगी कि कैसे शेर को अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए शेर को कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा, इसका सबूत हम आपको दिखाएंगे। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक शेर अपने बच्चों के साथ समय बिता रहा है। आप इस तथ्य के बारे में जानकर चकित रह जाएंगे, एक शेर अपने क्षेत्र में अन्य जानवरों को कभी भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता ताकि वे अपने बच्चों की रक्षा कर सके। एक बार दूसरा शेर एक शेरनी के परिसर में घुस गया था, तभी शेरनी ने उसी क्षण दूसरे शेर पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद दूसरा शेर आता है और शेरनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन शेरनी के सुरक्षात्मक स्वभाव के कारण वो शेर को बहुत दूर भगा देती है। कभी कभी अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक शेरनी को अपना स्थान छोड़कर किसी अन्य स्थान पर भी जाना पड़ता है। लेकिन हम आपको बता दें, शेर के बच्चे के लिए यात्रा बहुत कठिन और जोखिम भरी होती है, क्योंकि रास्ते में कई जंगली जीव है जो शेर के बच्चे पर हमला कर सकते हैं। इसलिए एक शेरनी को अपने बच्चों के साथ यात्रा करते समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। जैसे आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि जब एक शेरनी अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी, तभी दूर से एक लकड़बग्घा उन पर नजर रख रहा था, लेकिन एक शेरनी के दिमाग की मजबूत उपस्थिति के कारण उस लकड़बग्घे के इरादों के बारे में पता चल गया। शेरनी ने लकड़बग्घे को कोई मौका ही नहीं दिया और उसने तुरंत उस लकड़बग्घे पर हमला कर दिया, क्योंकि लकड़बग्घा शेर का दुश्मन होता है। वो शेर पर हमेशा हमला करने में विफल रहता है और इसीलिए वो शेर के बच्चे पर हमला करता है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए एक शेरनी को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। जैसा कि हमने लकड़बग्घे के शरीर के दुश्मन होने के बारे में अच्छी तरह से बात की है, हम शेर के दूसरे दुश्मन के बारे में भी बात करेंगे और वो है एक बबून। दरअसल बबून पर अक्सर शेरों द्वारा हमला किया जाता है और इसीलिए इसका बदला लेने और अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए एक बबून शेर के बच्चे पर आक्रमण करता है, और ऐसा ही शेर और बबून की दुश्मनी चलती रहती है। इस वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कैसे एक शेर एक बबून पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेर के हमले से बचने के लिए बबून पेड़ पर चढ़ गया। जब बबून एक पेड़ पर बैठा होता है तो वो पेड़ों की सूखी टहनियां तोड़ने लगता है और उन्हें शेर पर गिरा देता है। इतना प्रयास करने के बाद यदि शेर नहीं जाता तो शेर पर बबून पेशाब कर देता है। उसके बाद ज्यादातर शेर लंगूर का पीछा करने के प्रयास में हार मान लेते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि शेर ने अपने शिकार करने के कौशल को विकसित नहीं किया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।